शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वही हो रहा है जो आप सोच रहे हो। गन मेरे हाथों में, सर किसी और का। लेकिन हर बार जब प्रॉब्लम मेरे सर पर बैठकर हिप हॉप करती है, उसके बाद ही मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ फंसा कैसे। Thrills or Chills के 12 contestants हमें मिल चुके हैं। 13 crazy, तुम में से कोई एक होगा। Statutory warning, wannabe losers की जमात gate के बाहर ही रहे। चल जंप मार। एक में होता है और एक में दम। तू पहली कैटेगरी का है क्या? अबे जंप मार, नहीं तो उधर आके फेंक दूंगा मैं तुझे पिट में। चल चल जल्दी कर, जल्दी कर। भाई कोई दर्जी को बुलाओ, दूध की फट गई है। मुझे डर वर्ड से एलर्जी है। इस एलर्जी के साइड इफेक्ट्स, इस खास सिचुएशन में फ्रैक्चर्स, पैरालिसिस, मौत, नहीं तो जनरली पुलिस, जेल। अगर तेरे माँ बाप बर्थ कंट्रोल में विश्वास रखते तो आज मेरे 30 सेकंड बर्बाद नहीं होते। ये सबके साथ ऐसे ही करता है। सर, किसी ने सारे साइड लेंस के ट्रैफिक सिग्नल्स को रेड कर दिया है और मेन रोड ग्रीन है। या 60 सेकंड्स। Yeah!
और आसमान के बीच मेरा मोक्ष कैफे। जीने के लिए लाइफ पर बेट लगानी पड़ती है। सिंपल मैथ्स, जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी किक। This is the 13th crazy. तू पागल है। मैं तेरे जैसे साइको को ही ढूंढ रहा था। धूर, तेरे दुबई की टिकट थी वो? दुबई? जाने का मूड नहीं है। तो ये एंट्री क्यों मारी बे? तेरे से एक क्वेश्चन पूछना था यार। क्या? तू पैदाइशी या कोई स्पेशल कोर्स किया? हाँ? ओवर स्मार्टनेस का कीड़ा भी है। आई लाइक इट, बट तू कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैं तेरे को और एक चांस दे सकता हूँ। चल आगे। सॉरी बोले दर। यू थिंक यू आर गॉड राइट? और मुझे सेल्फ प्रोक्लेम गॉड से एलर्जी है। क्या बोला बे? तेरा पैका। भूख लगी है यार। सेक्टर 8 से सेक्टर 88 तक सारी ट्रैफिक की लाइट्स तुमने ग्रीन कर दी थी पूरे एक घंटे के लिए। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे रेड लाइट एरिया पसंद नहीं, तो सारी की सारी ग्रीन कर डाली। सेक्टर 10 में हादसा। पेशवर कोर कलेक्टर का मुंह किया काला, लेडी कांस्टेबल से बवाल कर डाला, डीजी टीम की विद्रोही छात्रों को अरेस्ट कर लिया गया। यार कब से बिठा के रखा है? जो करना है करो, लेकिन कुछ खाने को तो मंगा दो यार। बस मेन्यू कार्ड दो ना यार। पागल हो गए ये लोग। जान के पका रहे ताकि हम टेंशन ले। हाँ, घर जाना है, भूख से पेट दुख रहा है मेरा। तू टेंशन मत ले, अब हम उनको पकाएंगे। हेलो, मैं लश्करे बर्गर से बोल रहा हूँ। लश्करे बगदाद? हमारा एक मोटा मुजाहिदीन तुम्हारे पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है। मोटा मुजाहिदीन? के पेट में बॉम है, जो कभी भी बम हट सकता है। अबे तेरे पास पुलिस स्टेशन का नंबर कहाँ से आया? बाबूराव डांडेकर। यही है मोटा मुजाहिदीन। साइड में, साइड में, हाथ पर, हाथ पर, पेट दिखा, पेट दिखा, पेट दिखा मुझे, पेट दिखा। बम कहाँ? बम अंदर है सर। बम के अंदर बम? स्टॉप। सॉरी सर। प्रिंस योडा कौन है? मैं हूँ। हमेशा साहब ने बुलाया। बाबूराव दांडे का कमेंट। मोटा मुजाहिदीन है। कबीर बेटे, बेटे तुम ठीक तो हो ना? I'm fine dad. सर, दो दिन पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। I'm sorry. एक मिनट बेटे। इंस्पेक्टर सर, मैं हूँ मनोहर सयाल, माय वाइफ राधा सयाल, दिस इज माय सर। मनु? मनु सयाल? चुलबुल? चुलबुल पांडे? अबे साले पहचाना नहीं, चुलबुल का भाई बुलबुल पांडे। ओ
बुलबुल यार तू इंस्पेक्टर कब बन गया? ये तेरा बेटा? राधा ने तो यही बताया है। गुड वन डैड। इस कदर आपसे दिल मुतासिर हुआ। मम्मा कहाँ जा रहे हो? मैं अपने क्यूटी पेट दिलीप कुमार की शूटिंग देखने जा रही हूँ। शीला ने पूरी सेटिंग कर ली है। मम्मा, शीला आंटी का 10 साल पहले ही स्वर्गवास हो चुका है और दिलीप कुमार जी रिटायर हो चुके हैं। हट छोटी, दिलीप कुमार तो मेरे एवरग्रीन हीरो हैं। और खबरदार जो मेरी सहेलियों के बारे में ऐसी बकवास की तो। नानी, हाँ? तू कौन है? अरे, अपने बॉयफ्रेंड को भूल गई? सच? I swear, देख मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे लाया हूँ, खाएगी? मनु, ये इस महीने के चेक्स हैं। कल डोसा खिलाऊंगा। और हाँ, ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड बिल में ये 5,000 का क्या ट्रांजैक्शन है? वो इंटरनेट से मैंने कुछ पेंट्स खरीदे थे अपने आर्टवर्क के लिए। पेंट्स खरीदना जरूरी था? हाँ, तुम्हें समझाया ना मैंने। और हाँ, वो तुमने कबीर से बात की? इसके प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कबीर बेटे, तुम थोड़ा सा लो प्रोफाइल नहीं रख सकते? सीरियसली, मैं 6'2" का हूँ, कहाँ से लो प्रोफाइल रखूंगा? कम ऑन डैड। ऐसे ही जोक करते करते ना इसकी लाइफ को भी अपनी तरह जोक ही बना देना। मनोहर, कबीर से कहो कि खाना खत्म करके जाए। कबीर, मॉम प्लीज। कबीर बेटा, इतने शहर बदलने के बाद अब मुझमें हिम्मत नहीं एक और शहर बदलने की। मॉम, आई लव द सिटी, बट मोर देन दैट आई लव यू। आई प्रॉमिस, हम अब कहीं नहीं जा रहे। नो मोर फंगस। पक्का? सीरियसली, हेल मुगेम्बो, लव यू डैड। मुझे जाने दो यार, प्लीज यार, प्लीज प्लीज। इतना क्यों घबरा रहा है? मेरी क्लास है, असाइनमेंट्स हैं, मुझसे नहीं होगा यार। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगी। प्लीज यार, चल। दिस इज नॉट फेयर। चल, देखना फिर से भाग ना जाए। ओके प्रीत। यार, अपना ब्लड डोनेशन कैंप फ्लॉप हो गया है। मैं हेल्प करूं? शक्ल से तो तुम हेल्पफुल लगते नहीं। जस्ट बिकॉज़ आई एम गुड लुकिंग इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिल नहीं है। आजकल दिल के बिल में भी सर्विस टैक्स ऐड होता है। तुम्हारी हरकतें और जुबान दोनों तोड़फोड़ में एक्सपर्ट है यार। तुम चिपकू होने में? मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। ठीक है, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, पर मेरी एक कंडीशन है। अरे, इतनी जल्दी हम शादी नहीं कर सकते, अभी अभी तो मिले हैं। गुड वन ब्रो। सॉरी सॉरी, वेरी फनी। आई नो, वो लड़की दिख रही है? या हर नेम्स एंजेला। ओके, उससे जाके लैप डांस लेके आना। लैप डांस इस ब्लड डोनेशन कैंप में? और अगर मैंने ऐसे कर दिया तो तुम भी मुझे लैप डांस दोगी। ओके, गेम ऑन। गेम ऑन। बेबी, हेय। यस, आप ब्लड डोनेट करने आए हैं? मैं, मुझे लैप डांस मिल सकता है प्लीज? हैं? नहीं नहीं भैया, अरे माफ करो और आगे बढ़ो। छोटा भाई समझकर दे दो यार, मुझे इसकी सख्त जरूरत है। सभी को किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है। मुझे स्विट्जरलैंड में शैले चाहिए। मेरी किडनी फेल हो चुकी है, दूसरी फेल होने वाली है। मेरी गर्लफ्रेंड, ओ सॉरी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे किडनी डोनेट करने को तैयार हो गई है, अगर आप मुझे लैप डांस दे दे तो। कैन यू बिलीव इट कि आपका लैप डांस मेरी जिंदगी बचा सकता है? नो नो, आपका एक लैप डांस डेफिनेटली मेरी जिंदगी बचा सकता है, मगर आपको 15-20 बॉटल खून के और दिला सकता है। Baby.
लैप डांस देखना है, खून देना पड़ेगा। चलेगी 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 चलेगी। लैप डांस देखते हैं यार। पहले या बाद में? ये भी कुछ साले बटर। तेरे को सब फ्री में चाहिए क्या? अबे चलो 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 चलो। लैप डांस। तो तुम्हें किडनी डोनर बताया। अ पीस ऑफ एडवाइस, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें किडनी डोनेट कर देती है, यू शुड चेंज योर गर्लफ्रेंड। हु वांट्स अ गर्लफ्रेंड व्हिच इज वन किडनी? करेक्ट। बाय। पार्किंग लॉट। ए ए ए हाय। अली ब्रो, बंटी ब्रो। अली ब्रो, बंटी ब्रो। ब्रो तुम दोनों की सरनेम है। वैसे उस जूलिया रॉबर्ट से तुमने 3 सेकंड में क्या लैप डांस लिया? सो कूल। ये हर गोरी को जूलिया रॉबर्ट ही बोलता है। सो ओरिजिनल। एंजेला ने पासिंग में भी हमें नहीं देखा, लेकिन आज उसने हमारी तरफ मुड़ के स्माइल दिया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपनी बातों में भूटान का नाम ले लिया हो। दैट्स रियली ओरिजिनल। बट ब्रो तुम यहां। हे लैप डांस बॉय। I'm Jazz. Welcome to the club. Oh, यहाँ पार्किंग लॉट को क्लब कहते हैं। इस यूनिवर्सिटी को मेरा क्लब ही समझो। ये फाइट जोन, यहाँ हर कोई लड़ सकता है। Guys, girls, girls, guys. Fight for sex, fight for your ex. यहाँ लड़ने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं। All we need is a damn good fight. वैसे तुम्हारे इस फेयरनेस क्रीम छाप चेहरे को देखकर लगता है अपनी बोरिंग जिंदगी में तुमने कभी कोई फाइट नहीं की। या ऐसे भी हो सकता है कि आज तक कोई हाथ मेरे चेहरे तक पहुंच ना पाया हो। मेरा संतोषी माँ का व्रत है। I'm not fighting. We'll fight. Please, please, we'll fight. Fight, yeah. ये फाइट तुम्हारी जिंदगी की सबसे बेस्ट फाइट होगी। पूछो क्यों? आज क्यों पूछने का मूड नहीं है? फिर कभी। इसके सामने नहीं पिटना चाहता। But you know what? कॉलेज की बेस्ट गर्ल को पाने के लिए बेस्ट होना जरूरी है। लेट्स फाइट, पता चल जाएगा हु इज द बेस्ट। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अबे बेस्ट के टेस्ट बंद कर, ग्रो अप जस्सी, यू कैन हैव द गर्ल। हां ओए, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। ओए तेरा आईक्यू हो ना तो पूरी दुनिया ओवर स्मार्ट लगेगी। ए गोल्डी, ठंड रख। स्टड बॉय, बॉर्न वीटा बॉडी। हाँ, नॉटी बॉय। मैं बंदों के लिए ऐसे ज्यादा एक्सपोज नहीं करता। Oh. अरे अब ज्यादा लालची मत बन यार। ओके ओके ओके। सो लेट्स नॉट फाइट। डर गया क्या? इतना कॉन्फिडेंस है तो मेरे पास आके अपना लैप डांस ले ले। Yeah!
lap dance boy. तुम फ्रेशर हो ना? Yes. कॉलेज के पहले दिन? सर, once again, ये सब मेरी वजह से हुआ है. चलो, क्लास में चलो. Attend your lectures, quick, come on. बंटे, बंटी किधर गया? अबे, क्या? Fight अभी बाकी है. Anytime, anywhere, dude. मेडिक्लेम वालों को फोन कर ले. क्या हुआ जीरू? दारू पी के लगना ठाकुर पागल हो गया है. अबे आगे भी तो बोल. बोलता है कि तुम लोग साइड कार पे बैठो. बाइक तो नहीं चलाऊंगा. फिर से पावर चला गया. ठाकुर 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 पेंटर से पैंथर सीधा अटैक. हां वेरी फनी है कबीर बॉयफ्रेंड. ये क्या नाटक है? नाटक? हां 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 इंटर कॉलेज प्ले की प्रैक्टिस कर रहा हूं. मॉडर्न डे शो ले इसमें मैं ठाकुर बनाऊं. गुड. हेलमेट के साथ? हां इसमें ठाकुर इंस्पेक्टर नहीं बाइकर है. राइट. झूठ. प्रीत सिहोटा. हां ओह माय गॉड. अगर मम्मा को अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम ना हुई होती ना तो मैं शहर में कभी वापस ना आती. कबीर तुझे पता है ना प्रीत हमेशा तेरे लिए प्रॉब्लम्स लेकर आई है. मॉम एक बार उसे घर आ जाने दो. प्रीत इस घर में कभी नहीं आएगी. प्रीत सियोटा तुझे भी पनिश किया? नहीं मैं तो डिटेंशन रूम में चिल मार रही हूँ. कबीर सियाल तेरे पास दो गोल्डन स्टार है? दो दिख रहे तो दो ही होंगे ना. एक दे. नहीं मेरे पापा कहते हैं कुछ स्पेशल चाहिए तो थोड़ी फाइट मारनी पड़ती है. और मेरी मम्मी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइट कॉक मैं ही हूँ. प्रूव इट. बोल क्या करूँ? हाँ डिटेंशन रूम का दरवाजा खुलवा के दिखा. Game on. क्या कर रहे? लेकिन डीजी बच गए. तुम दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई. कौन सी? यही कि तुम दोनों डीजी की नाजायज औलाद हो. नाजायज? तो डीजी के बचने पर तुम लोग इतने खुश क्यों? क्योंकि डीजी जैस के डैडी हैं
और जब भी उनका और उनके राइवल तेजपाल के बीच कोई पंगा होता है ना, तो जैस अंडरग्राउंड हो जाता है और इन लूजर्स के पिटने के चांसेस कम होते हैं। आज तुम्हारे मंगलवार का व्रत है, आज तो वुमेन्स डे भी नहीं है, तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम ठीक हो गई? व्हाट? कैन यू बेंड डाउन? क्या तुम झुक सकती हो? ऑफ कोर्स। तो झुको ना। लैप डांस। आज तो सिटी में लैप डांस बैन है। तब तो और भी मजा आएगा। गो हैंग योरसेल्फ। खुशी कर लूं मैं तू भी मर जा, दिल ये मांगे मोहब्बत का कर्जा। खुदकुशी कर लूं मैं तू भी मर जा, दिल ये मांगे मोहब्बत का कर्जा। आतिश दिल को तूने हवा दी, आग जंगल में दर्द लगा दी। लिपस्टिक लबों की तेरे मेरे होंठों पे मल दे। तेरे कदमों में रख दी है जहां तू जो चाहे कुचल दे। क्या करूं जान लेके तेरी, तेरी नियत बुरी है, तेरे धोखे में आऊं ना मैं, ये मोहब्बत छुड़ी है। जाए है जाए है चल क्रेजी कर देना चाहता, जुल्फों की जंजीर में कैद करके सजा दे, वो सजा दे जो मुझको मजा दे। माचिस मेरे प्यार की ये जवानी जला दे। दिल का बच्चा है जिद पे अड़ा, प्यार दे के सुला दे। नींद की खा ले तू गोलियां, खुद को मुझसे बचा ले। शॉर्ट सर्किट में उड़ जाएगा बल्ब अपना बुझा ले। तुझे दिल आउट है क्या, तुझको डाउट है तेरे बिन जीना क्या। मेरे सीने में खंजर तू बन के उतर जा, साथ मेरे हाथों से गुजर जा। न कोई चुमा न पप्पी कोई, न तूने दी मुझको जप्पी कोई, ये भी कोई प्यार है। देखो दिस इज़न्ट फनी। Thank you.
डांस बेबी। गेट लॉस्ट। मुझे लगा तुम भी एग्जैक्टली मेरी तरह फील करती हो, लेकिन तुम मेरे अगेंस्ट थी, यू विल पे प्रीत। तुम क्या फील करते हो उससे मुझे क्या, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, साइको। लेट मी गो। हो गया, लगा लिया दम। हां, इट वाज जस्ट अ स्टूपिड बेट। तुम्हें पता है कोई बेट स्टूपिड नहीं होते। यहां से निकली तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। मतलब तुझे डाउट है ना कि तू यहां से निकलेगी कि नहीं? हां, देख जाने दे प्लीज, देख प्लीज जाने दे। रखो। सोच, अगर तू बल्लू बड़बीर से तंग आकर घर छोड़कर भागी तो? मम्मी देखो, कभी फिर मुझे रॉन्ग चीजें सिखा रहा है। अरे, ये ब्रेसलेट देकर हम एक दूसरे को पहचान लेंगे ना? ओ प्लीज, ये सब चीजें तुम्हें चाहिए होंगी मुझे पहचानने के लिए, मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान लूंगी। प्रीत सियोटा, गेम ऑन। कबीर सिया रही जीत। तू जीतेगी। तू जीतेगी। कबीर सिया। प्रीत सियोटा, बिल्कुल नहीं पहचाना, बकरा। This was cheating. प्रीत सियोटा, तू हार गई। कबीर सिया, तू आ गया। मैंने तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में ही पहचान लिया था। तो कुछ बोला क्यों नहीं? क्या बोलता वहाँ पे? हाय प्रीत, मैं कभी, चल जेल में कैचअप करते। और बता, इतने सालों में कितनी बार त्योहारों कर आया तू? अब तक वहाँ से बुलावा नहीं आया यार, मगर तू आ गई है ना तो दोनों साथ चलेंगे। तू सचमुच बिल्कुल नहीं बदला, वैसे का वैसा साइको है। तू जैसी बड़ी बदली है, छली से सुपर डुपर छली हो गई है, और साथ में गुस्से का एड ऑन हुआ है। हाँ यार, लाइफ ने ऐसे झटके दिए ना, टोटल शॉर्ट सर्किट ही हो गया। एटलीस्ट तेरा शॉर्ट होने के लिए सर्किट तो है, मेरा भारत भ्रमण करते करते फ्यूज ही उड़ गया। ये तेरी परमानेंट पोस्टिंग है ना? नहीं यार। शक्ल देख अपनी, ऐसे लग रहा है किसी ने तेरे मुंह से आइसक्रीम छीन ली हो। मॉम। पुनु। प्लीज कह दे कि तू डॉक्टर खन्ना के क्लिनिक से प्रिस्क्रिप्शन लेना नहीं भूलेगी। कोई सरप्राइज नहीं होगा। मॉम, प्रिस्क्रिप्शन तो उठा लिया है, पर सरप्राइज आपको कोई नहीं बचा सकता। फोन दे दे कमली। राजमा चावल। पूर्णिमा, चुप कराओ इनको, कितना शोर करते हैं ये। मैनेजर कह रहा था कि पैसे बैंक पहुंचे ही नहीं। पैसे खाने में परोसेगी क्या? मैं खाना मांग रहा हूँ और तू पैसे को चिक-चिक कर रही है। तेरे पापा कितना चिक-चिक करते हैं। बलबीर, पापा नहीं, वो सिर्फ हमारे घर में रहता है। मेरी रियल पापा की तो बहुत पहले ही डेथ हो गई। क्या बोले तू मुझे, चोर हूँ मैं? तुम लोग बल्लू बलबीर को मैनर्स क्यों नहीं सिखाते? छोड़ना, पागल है। मेरे पापा कभी ड्रिंक नहीं करते। तेरे पापा बेस्ट है, वो तेरे साथ मोनोपोली भी खेलते हैं ना? सिर्फ सैटरडे यार। मेरे रियल पापा भी मेरे साथ खेलते थे। प्रीत, तू फिर से सड़ हो गई यार, चल गेम खेलते। बैंक पहुंचना बहुत जरूरी है। बोला ना चुप कर, बात समझ में नहीं आ रही क्या? अरे अंकल, आपकी जेब खुली है। बाय बलबीर। रुको, तो इस घर में हमेशा पड़ा रहता है ना, आज तेरा आखिरी दिन होगा। बलबीर बच्चा है वो, छोड़ो उसे। जब तक हाथ नहीं उठाओ सबका दिमाग खराब हो जाता है। बलबीर नहीं। कबीर,
मैडम बच्चे ने स्टैबिंग की है, केस तो बनाना पड़ेगा। अगर ये साहब एफआईआर दर्ज करें तो अरेस्ट भी होगा। खाना! ये बच्चा कबीर सयाल हमारे घर के अंदर घुस गया। पागल हो गए हो क्या? देखो मैं कबीर को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तुमने एफआईआर दर्ज करवाया तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखवाऊंगी। अच्छा, तुम मेरे खिलाफ एफआईआर कराओगी? कराओ, क्योंकि आज तुम्हें इसे अंदर भिजवाऊंगा। ये चाइल्ड रिमांड होम जाएगा, आई विल डिस्ट्रॉय हिम। बलबीर, क्या बकवास कर रहे हो? बलबीर ऐसा कुछ नहीं करेगा। बलबीर प्लीज, बलबीर। हाय, बलबीर ऐसा ही करेगा। प्लीज प्लीज कबीर की जिंदगी खराब मत करो, हमें शहर से चले जाएंगे। माइंड ब्लोइंग। पापे के ढाबे से मम्मी का किचन सब फेल, बिकॉज पुनु का राजमा चावल एब्सोल्युटली बेमेल। लव यू पुनु। या वो इकलौता है जो मेरे हाथ के बनाए हुए खाने को इस तरह खाता है। इसलिए आप हमेशा इसका फेवरेट डिश बनाते हो ना मामा? आज भी जेले से पुनु डालिंग। तू जब भी आएगा ना बच्चे, मैं हमेशा तेरी फेवरेट डिशेस ही बनाकर खिलाऊंगी। देखा, शी लव्स मी मोर। नो शी डजंट। तुम दोनों को एक साथ देखकर तबीयत खुश हो गई। नहीं, अब नहीं मिलेगा। थैंक गॉड, अब प्रीत का ध्यान रखने के लिए कोई तो है। क्यों, बलू बलबीर कहाँ है? वो पिछले साल से लापता है, बहुत ढूंढा लेकिन मिले नहीं। I'm sorry, आंटी। पीपी के मरा साला, हाँ? या फाइनली तूने सेफ किया? ये कोई मजाक की बात नहीं है कबीर, कुछ हा? तो सीरियसली लिया कर यार। दो चम्मच राजमा बिल्कुल सीरियसली ले रहा हूँ। ऑफ कोर्स। मैं इतनी जल्दी खुश नहीं होती। ऑफ कोर्स, तुझे रेगुलरली पागलपन का डोज चाहिए होता है। तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे। चैलेंज, चैलेंज है। चैलेंज ऑन। नहीं है तुझे कोई आइडिया, तो देख ले तू जरा मुझे पूछ के। आँखों में तेरी मैंने डूब के, मिया है रिस्क जान बूझ के। नहीं है तुझे कोई आइडिया, तो देख ले तू जरा मुझे पूछ के। फीले हुई है लकी दिल को पहली बार। फीले चाहे कोई भी टोके, तुम्हें तो सर पे है छाई हुई मस्ती।
लिया ना अच्छा नहीं लगता। क्यों? भाई तुझे सूट नहीं करता। How about get lost? पिछली बार लॉस्ट हुआ था ना तो तेरी बैंड बज गई थी, इस बार गया तो सोच ले। हाय। कल मेरे पापा से मिलना है। कल नहीं आऊंगी। ए पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कल शाम 7 बजे रेडी रहना। तेरे साइड के को बोल साइड पे ही रहे। ए तू तेरे कबीर द सॉफ्ट कॉर्नर को ना कॉर्नर में ही रखियो, हम सब जानते हैं। ए तो अपने औकात में रह। देख तू ले। लैप डांस के साथ क्या हो रहा है? मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। सीरियसली? मुझसे? जैस, कबीर को मैं बचपन से जानती हूँ और कल उसका बर्थडे है। तो ऐसा बोलना। सब साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। सच? हाँ। नो, यू जोकिंग राइट? रीत, इतना सब कुछ होने के बावजूद यू डोंट ट्रस्ट मी। जैस, इतना सेंटी मत हो यार। इतना क्यों झेल रहा है इसको? मैं बोल रहा हूँ दोनों का अफेयर चल रहा है, तू बोल। अब भी उठा के लाता हूँ। तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है? फाइन, पर अगर उस पार्टी में प्रीत है तो मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। केक अभी तक नहीं आया। आ जाएगा यार, फ्रीक आउट मत कर। अगर अगले 15 मिनट में केक नहीं आया ना तो मैं तुझ पर क्रीम लगा के तुझे कटवा दूंगी। 2 मिनट्स। अबे यस मैम के बच्चे, अगर मेरा केक अगले 2 मिनट में नहीं आया ना तो देख मैं फिर तू बोला मुझे यस मैम। यस मैम। अबे साले फिर बोला तू यस मैम। यस मैम। अरे मना किया रे तुझे? मैम मैं आपके पीछे ही खड़ा हूँ। ओह शिट कबीर, तू उठा। सरप्राइज पार्टी है डंबो। एक मिनट, हम सब यहाँ हैं तो उसे लेके कौन आ रहा है? कबीर यही साथ वाले बार में और जैसे उसे लेकर आ रहा है। प्रीत फोन नहीं उठा रही क्या? उसका दूसरा नंबर ट्राई करना। उसके पास दूसरा नंबर भी है। What? तू उसका चाइल्डहुड फ्रेंड, उसके पास दूसरा नंबर तुझे पता ही नहीं। Hey Jazz, your girlfriend here. Pick up the call. Hello. हाँ प्रीत, कहाँ है? एक मिनट होल्ड कर, बात करेगा। The subscriber you're trying to reach. बात करेगा उससे? He's busy at the moment. बात करेगा? सिर्फ प्लीज बोल। एक बार प्लीज बोलना। अच्छा प्रीत बाय। Hey Jazz. What can I get you? What can I get you, baby? You look tired, yaar. What the hell? Jazz, don't pass gas. And stop acting like such an ass. Wow, that was good. What's it? Yes. Ladkiyan, aise set nahi hoti. To kaise hoti hain, be? Sikhao. Lag gayi bet. Wow. So you're serious about him? We're just friends. Oh. Do you have a boyfriend? 3. Huh? Now you have 4. Come on, what are you thinking? Preet, tera dost to bet jeet gaya. My bar, my girl, my plan. Happy birthday. Huh? Preet, Preet सुन यार, तूने मुझे पार्टी में लाने के लिए जैस को भेजा? Seriously? Preet तेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आई नीड द मनी यार। तो आजकल लड़कियों के कपड़े उतारने के पैसे मिलते हैं तुम्हें? तू ओवर रिएक्ट कर रही है। ओवर रिएक्ट?
कबीर किसी रैंडम लड़की के कपड़े उतारना कब से नॉर्मल हो गया? तू किसी टुच्चे लड़के के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमे वो नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं किसी लड़की की तरफ देखूं भी तो मुझे कंजंक्टिवाइटिस हो जाए। एक क्या 50 की तरफ देखना, और यही लड़की क्यों? एस्कॉर्ट सर्विसेज से लड़कियों की होम डिलीवरी करवा लेना। हाथ हटा। तेरा बॉयफ्रेंड या लॉयल्टी तो मुझसे एक्सपेक्ट करती है, चल ना फिर डू समथिंग जिससे जैस की माँ बहन एक हो जाए। कर सकती है ऐसा? हा? तुझे करना है तो तू कर, अब हट सामने से। कहाँ जा रही है? घर। चल मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आज तुम्हारी फ्री पिकअप और ड्रॉप सर्विस नहीं चाहिए। प्रीत, बहुत हो गए तेरे नखरे, समझी? ओए, बात कर रहा हूँ मैं उससे। हड़गटे के औकात में रह, वरना यही काट दूंगा। चल ना फिर, राउंड टू तो वैसे भी बाकी है। स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। प्रीत, प्रीत, तू गाड़ी में बैठ। जैसे ड्राइवर चाचा वाला रोल प्ले मुझे बिल्कुल इंप्रेस नहीं करता। ड्राइवर चाचा, सलाम अलैकुम चाचा। यार। प्रीत तो तुझसे कंट्रोल होती नहीं, गाड़ी तो कंट्रोल में रख। गई कहाँ? फोन क्यों नहीं उठा रही? ओ रोमियो, घर ले ले, हम बिना सिक्योरिटी घूम रहे हैं और साथ में 2.5 करोड़ का कलेक्शन है। अगर डीजी को पता चलेगा ना, बताएगा? तू बताएगा डैड को? बताएगा तू? अरे बस क्या यार, तो चुप बैठ, चुप बैठ, समझा ना? सीधा निकल चल। नहीं है। क्या कर रहा है तू? प्रीत मेरा सेल नहीं उठा रही, इसलिए लैंडलाइन से फोन कर रहा हूँ। बैग कहाँ है? क्या है? कलेक्शन बैग, जो गाड़ी में था। पूरे हफ्ते का कलेक्शन गया यार। मेरी तो लग गई, पापा मेरे को मार डालेंगे यार। शिट। ओए! क्यों? हाँ? क्यों करता ऐसी हरकतें? हाँ? हाँ? एक पप्पी के लिए फांसी, बहुत नाइंसाफी। हाँ? वो एंजेला ही मिली थी, सीरियसली? आउच! एंजेला को छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम चीज क्या हो? ये क्या है? एक रोता हुआ जसविंदर गिल प्लीज। मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया और इंस्टेंट होम डिलीवरी। ओह माय गॉड कबीर, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं, ये तेरा वार्ड है, मैं कैसे ले सकता हूँ? व्हाट? बट आई लव इट यार। इसका ब्लो अप मैं कॉलेज कैंटीन में लगाऊंगा और नाम रखूंगा एक रोता भिलकता आदमी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कबीर? बैग कहाँ है बे? बैग की दुकान में। अच्छा रुक, मैं चेक करता हूँ। कबीर, हट। ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? घर में क्यों घुस आए हैं? बैग तो संभलती नहीं तेरे से, लड़की कैसे संभालेगा? हाँ, तुझे गेम खेलना है ना, चल स्टेक्स बढ़ा देते हैं। कबीर, 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 you have no idea what you've gotten yourself into। क्या तुमने इनका बैग लिया है? हाँ? प्रीत, मैंने बैग नहीं लिया है। ओए, तो ये क्या है बे? बेडरूम में मिला। नहीं, बेचारा प्रीत, तेरा बेस्ट फ्रेंड तो चोर निकला। प्रीत,
तुम इसका विश्वास करोगी? कबीर तुम बताओ। एक्चुअली पास, तुम बताओ क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? माय वोट, बिल्कुल कर सकता है। जैस जैस प्लीज मेरी बात सुनो, जैस प्लीज लिसन टू मी वन सेकंड, जैस प्लीज प्लीज। तुम्हारे लिए सब कुछ एक गेम, एक चैलेंज, एक बेट है। कबीर यू रियली लॉस्ट इट। बैग के बारे में बात करनी है तुझसे। तू पागल हो गया क्या? प्रीत बात तो कर। क्यों सर, परमिशन नहीं दे रहे? सर दो मिनट का आलू ब्रेक देंगे। साले तो इसकी वजह से बचा हुआ, समझा? मुझे उंगली दिखाता है तू? स्टॉप इट कबीर, सब तुम्हारी पसंद या नापसंद से नहीं चलता, ये दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती है। लाइक ब्रेकिंग न्यूज। कल ही जैज ने प्रपोज किया और अगले हफ्ते हमारी एंगेजमेंट है। तेरी सीक्रेट सेल लगी थी या ऑक्शन हुआ था? क्यों दुखा ना? अब समझ में आया इतने जल्दी में तूने एंगेजमेंट क्यों की। इतना गुस्सा? हाँ क्या रिबाउंड जैसी? स्टेरॉइड से सिर्फ बाइसेप्स बढ़ते हैं, दिमाग छोटा ही रहता है। कभी तेरे दिमाग की एक्सपायरी डेट तो कब की रन आउट हो चुकी है? हम दोनों का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मेरा दिमाग नहीं चलता और तेरा दिल। तो कभी युगांडा गए? भेज रहे वापस। कुछ मत बोल, मैं तो सिर्फ टॉपिक चेंज कर रही थी, क्योंकि दिल और दिमाग के टॉपिक पर तू 30 सेकंड से ज्यादा बोल नहीं पाएगा। ओए सुन, मैं सिर्फ 3 सेकंड में कह सकता हूँ जो तू कर रही है ना वो ठीक नहीं है। रातों रात किसी की फीलिंग चेंज नहीं होती। कबीर प्लीज अब ये मत बोलना कि तू समझ बैठा था। I have some feelings for you. तुम मेरे साथ क्या कर रही थी? टाइम पास। प्रीत बस कर कबीर। प्रीत तू गलत कर रही है। Prove it. You love me, Preet. I love Jazz. Prove it. Jazz, let's get married. Preet से होटा, तूने गलत बंदे से पंगा लिया है। कबीर सियाल, game on. Yeah.
रुसवाया सांसों में घुलती सांसें वो तेरी लौटा दे मुझको रातें वो मेरी महसूस करता हूँ तू हर कहीं है पर तू नहीं है जीना लगे सजा रुसवाई में जीना लगे सजा रुसवाई में स्टॉप इट कबीर तुम मेरे साथ क्या करी टाइम पास टाइम पास टाइम पास ऐसी अदा सबसे जुदा देखी नहीं वो बेवफा मेरे जिस्म जावे तेरा ही जुनून है जीना क्यों तूने मेरा ये सुकून है हसरत में तेरी मैं जल रहा हूँ मैं जल रहा रोया हूँ तेरे इस बेवफाई में रोया हूँ तेरी इस बेवफाई में आंखें बरसती रही अक्सर जुदाई में आई जो तेरी याद तन्हाई में आई जो तेरी याद तन्हाई में कांस्टेबल तुम्हारे घर के बाहर दिन रात रहेंगे तुम कोनो चीज का टेंशन मत करो थैंक्स दोस्त ये सब इतना अचानक हुआ जो लड़ाई हम जीत नहीं सकते उसमें पढ़ने का क्या फायदा कबीर मैं तुमसे बात कर रही हूँ मेरी इसमें कोई गलती नहीं है ए कबीर ये जैस और डीजी जैसे लोग हैं ना दे डोंट प्ले बाय द रूल्स बाबूआ जानता हूं तो तुम ये भी जानते होगे कि ये लोग कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं और ज्यादा कुछ हुआ ना बबुआ तो ससुराल मिनिस्टर को फोन कर देते हैं और हम उस बीच थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर देख लेते हैं कबीर कहाँ जा रहे हो मेरा कुछ सामान प्रीत के पास पड़ा है वो वापस लेने जा रहा हूँ इतना कुछ होने के बाद भी तुम नहीं समझे हाँ बेटे प्लीज तुम जैस और प्रीत से दूर रहो फॉर माय सेक मेरे बिना मन नहीं लगता जसविंदर पाबा का मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी मॉम रिलैक्स कुछ नहीं होगा तुम जब भी ये कहते हो ना कुछ हो जाता है को लगता है मौत इज कंप्लीट फ्रीडम इसलिए जिन्हें वो हेट करते हैं उन्हें जिंदा रखते हैं ताकि वो हर पल मौत के लिए तरसते रहे Thank you.
What the hell, Kabir? तेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, इस ब्रेसलेट की तुझे जरूरत नहीं। मेरी जरूरत तू बहुत समझने लगा है। क्या करेगी इस ब्रेसलेट का? आज मेरा आंसर देने का मूड नहीं है और मेरा टाइम पास करने का मूड नहीं है। लीव मी कबीर। तुमसे मिलने के बाद आई फेल्ट आई कुड ब्रीथ। सालों की घुटन के बाद जीने लगा था मैं, फिर ऐसा क्या हो गया कि? कबीर, हम जब भी मिलते हैं बुरा होता है। जब तक हम साथ रहेंगे सेफ होंगे। नो, दैट्स इम्पॉसिबल। ग्रेट, तो ब्रेसलेट रिटर्न कर। शादी के बाद न तेरा न मेरा, सब हमारा होगा। 8 बजे लेने आऊंगा, तैयार रहना। तुम जैस से इतना डरती क्यों? कबीर, कबीर! कबीर, please just let it go, please कबीर, listen to me, don't go, please कबीर, no, कबीर, रुक जाओ। मैं तो डर ही गया था। थैंक गॉड तुम ठीक हो। इस घटने की सबसे बड़ी खबर, एको पॉइंट पर एक कार और बाइक के एक्सीडेंट में इन द
इंडस्ट्रियलिस्ट धनराज गिरजी के बेटे जसविंदर गिरजी की मौत हो चुकी है। कुछ देर पहले ही जैस गिरजी की बॉडी को सिटी हॉस्पिटल लाया गया। सिटी हॉस्पिटल की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है, लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जैस गिरजी ने दम तोड़ दिया था। जैस, किसी ने तुम्हें देखा? सब जानते हैं। ओह माय गॉड, डीजी, आप लोगों पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरी वजह से उनका बेटा मरा है। आई थिंक इट्स वेरी फिकल्स मी। तुमने जानबूझकर जैस को नहीं मारा बेटे। कबीर, उसकी जगह तुम भी हो सकते थे, और उस वक्त वो लोग शायद ऐसा नहीं सोचते। बेटे, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो वी विल डाई बेटे। जस्ट कट द इमोशनल ट्रैप मनु, उसे भी अपनी तरह वीक मत बनाओ। मॉम, कबीर बी प्रैक्टिकल, वो एक एक्सीडेंट था। हम ये शहर ही छोड़ के चले जाएंगे। मॉम, नो, पिछले 20 साल से तुम भाग ही रही हो, प्रॉब्लम से भाग चलो, शहर बदल लो। 10 साल बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा हादसा हुआ था। एक 20 साल का लड़का आज मेरी वजह से मरा है। मुझे भगा देने से ये सच्चाई नहीं बदलेगी। मुझे लगा जिंदा है, क्योंकि तुम उसके साथ नहीं थी ना। आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह तुम हो। स्टॉप दिस ब्लेम गेम मॉम, प्लीज स्टॉप इट। आपकी जिंदगी आप अपनी तरह से जी नहीं पाई तो आपने अपने फ्रस्ट्रेशंस का ब्लेम पापा के फेलियर्स पर तो कभी मुझ पर डाल दिया। आपकी इसी हरकत की वजह से पापा सर उठाकर जी नहीं पाए और मैं निकल पड़ा खुद को प्रूफ करने के लिए। I'm tough, I'm wild। हर बार मैं गिरा और आज मैं इस हद तक गिर चुका हूं कि खुद अपने ही सामने खड़े होने से डर रहा हूं। देखिए मॉम, आज मैं भी वही कर रहा हूं जो आप करती आई हैं। आज मैं भी अपनी गलतियों की वजह आप में ढूंढ रहा हूं। मैं टोटली स्क्रूड अप हूं मॉम, टोटली। मैंने लाइफ इतनी रेकलेसली जी है तो होना ही था। और अब जो कुछ भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं भी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दूंगा। कबीर, कबीर रुक जा, बात तो सुन। तू जो चाहता है वही होगा। आई बेग यू प्लीज डोंट इग्नोर मी लाइक दिस। सुन, तू सिटी छोड़कर नहीं जा सकता। गेम ऑन। मेरे और तेरे लाइफ के सारे गेम्स ऑन। तुझ तक पहुंचने के लिए मैंने जो भी रूट लिया पहुंच ना पाया। हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है कभी? I don't know. ठीक है, डीजी ने तुम्हारे खिलाफ कोनो कंप्लेन लॉज नहीं किया और यह भी कह रहा है कि यह सब एक्सीडेंट था।
पर मेरी बाइक वहां मिली। उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता, अगर वो तुम्हें बाहर देख लिया ना तो। कबीर गेट डाउन नाउ। डीजी के आदमी और पुलिस दोनों ही तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लेट मी हैंडल दिस बबुआ। हम प्रॉमिस करता हूं तुमको जिंदा रखूंगा। मरने से मैं नहीं डरता, पर मेरी वजह से मॉम डैड को। अरे उनका तुम टेंशन मत करो, उनको हम शिफ्ट कर दिया हूं अलग जगह पर। और हाँ, अपना मोबाइल से सिम निकालो तो वो ससुरा डीजी ना एक्टिव सिम को तुरंत ट्रैक कर लेगा। आप तो जानते हैं अंकल, मेरी वजह से पहले से ही सभी को इतनी तकलीफ हुई है। हे बबुआ, अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है, का समझे? ओम सत्यन पोखा विश्ववेदः सत्यन तार्थो अरिष्टने मिहि सत्यनो विरस्पतिर ददातु ओम स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा। रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम छत्तीसकोटिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। अगले 24 घंटों में कबीर सयाल का सिर यहाँ पड़ा होगा। तुम तो कबीर को पसंद करती हो। जी ऐसा नहीं है डीजी साहब, प्रीत और कबीर तो सिर्फ बचपन के दोस्त हैं। आप तो जानते ही हैं, जैस और प्रीत की एंगेजमेंट हो चुकी थी और शादी की डेट भी फिक्स होने वाली थी। लेकिन जैस तो मर गया ना। कोई बात नहीं, इसकी शादी रुकनी नहीं चाहिए। जी इसकी शादी होगी यहीं इसी फार्म हाउस पर। किससे जी? डीजी के आदमी को मिल की तरफ जाते हुए देखा और हमको पूरा शक है कि यह इन्फॉर्मेशन हमारा ही कोनो ऑफिसर ने लीक किया। सर सर कबीर का सेल ऑन है सर।
उधर। सर कबीर अब तक मिल में ही है। बेशरम बेहया, अपने शादी में मेहमानों को ऐसे वेलकम करती है। ओ मिस्टर मेहमान, डीजी तेरा सर काटना चाहता है। आई नो, डॉक्टर डीजी मेरी सर्जरी करना चाहता है। डीजी कॉलिंग। कबीर सयाल, गेम ऑन। कबीर, प्लीज कबीर, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे यहाँ से भगा नहीं सकते। पहले ये बताओ मैं तुम्हें क्यों भगाऊं? क्योंकि आज हमारे मरने के चांसेस ज्यादा है ना, तो क्यों ना साथ मरने का ट्राई करें? आज हम नहीं मरेंगे क्योंकि आज मेरे मरने का मूड नहीं है। प्रीत से हटा, अंदर घुस जा वरना सचमुच काले सांड की बीवी बन जाएगी। चल क्या हुआ? हमारी पहली किस थी और मैं रेडी भी नहीं थी। नो प्रॉब्लम, अगली बार काउंटडाउन दूंगा। 1 2 3 ऐसे कोई पागल ही होगा जो तुझसे शादी करेगा। ओए, काला सांड मान गया था। मिस करी उसे। हाँ ड्रॉप कर दूँ वापस। सीट बेल्ट पहनने से गोली नहीं लगेगी क्या? ना, बस तू गिरेगी नहीं। कंट्रोल रूम में यार, कम ऑन। इंस्पेक्टर बुलबुल पांडे को प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए कि कबीर और प्रीत मानिकपुर की तरफ रेलवे ट्रैक पर कार से जा रहे हैं। पीछे डीजी और आगे ट्रेन। जानता कि हम ट्रेन से दूर जाएंगे पर हम ट्रेन की तरफ क्यों जा रहे हैं? Shut up, breathe, let me concentrate. होने का कितना पैसा लेगी यार? पैसे के लालच में हम बचेंगे नहीं तो पैसे का क्या करेगा?
तेरे लिए ताजमहल बनवाऊंगा। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं रोज रोज मरने आता हूँ। थैंक गॉड आगे कुछ दिख तो रहा है। क्यों? पर आगे ग्राउंड नहीं है। ताना। I think हमने उन्हें खो दिया। Yes yes we did it कबीर we did it। तू डर गया था ना? हाँ? अपने से ज़्यादा मैं तेरे लिए डरता हूँ। Wrong decisions मेरे और side effects तुझे झेलने पड़े। मेरा credit तू ले रहा है कबीर। मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। तुम्हारे जाने के बाद बलबीर की situation और भी worse हो गई थी। चाहिए थी या फिर मुझे बहुत पहले बलबीर को घर से निकाल देना चाहिए था। मेरी वजह से मेरी प्रीत को बहुत तकलीफ हुई है। हम जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, हमेशा उनके लिए अच्छा सोचते हैं पर कभी कभी बुरा हो जाता है। बस अब और बुरा ना हो। मनु अगर प्रीत और कबीर वापस ना आए ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। I'm sorry, Manu. It's okay, प्रीत। तूने जानबूझकर उसे नहीं मारा। It was just an accident. I'm sorry, कबीर। Sorry? उन बेचारी चिड़ियों को कहो जो तुम्हारी चीख सुनकर अपना पुश्तैनी आशियाना छोड़कर भाग गए। Sorry, birdies. अरे वापस आ जाओ। रोना बंद हो गया। 15 साल पहले तुम्हें मेरी वजह से भागना पड़ा और 15 साल बाद आज तुम फिर भाग रहे हो मेरी वजह से। तेरी और मेरी एक कॉमन प्रॉब्लम है। किस्मत ने हमेशा हमें उंगली की। क्यों? अरे लेकिन उसी किस्मत ने इडिट्स कोटा में हमें एक और चांस दिया। लाइफ में
शरफ। मैं चल रहा था तन्हा अकेला, तुम जो मिले तो मिला कारवा। लफ्ज बनू मैं तेरे, तू बन सुबा, मेरे अंधेरों की तू बन सुबा। तेरी जुल्फों में ऐसे खो जाऊं, जुदा कोई न कर पाए। हर बार जब प्रॉब्लम मेरे सर पर बैठकर हिप हॉप करती है, उसके बाद ही मैं सोचता हूं कि मैं यहां फंसा कैसे। मेरी लाइफ डेंजर में है, ऐसा पहली बार नहीं, पर मेरी रेकलेसनेस से लाइफ खोने का डर पहली बार हुआ। मेरी लाइफ के बाद आप खेलना चाहो या नहीं, लाइफ कोई ऑप्शन ही नहीं देती। गेम खेलना बहुत पसंद है ना, लेट्स प्ले। अगले 15 मिनट में ये पॉइजन इसके दिमाग तक पहुंच जाएगा। हॉस्पिटल में 15 मिनट की दूरी पर, अब तेरे पास इसकी जिंदगी के आखिरी 15 मिनट है। एंड बी केयरफुल, अगर ये सो गई तो हमेशा के लिए सो जाएगी। गेम ऑन कबीर सयाल। अपनी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने मरते देखो। तुझे भी वही एहसास दिलाना चाहता हूं। जैस की मौत एक एक्सीडेंट थी। जैस के सीने में गोली लगी थी, पर मेरे पास कोई गन नहीं थी। ये वक्त झूठ बोलने का नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मैंने जैस पर गोली
नहीं चलाई थी। गोली मैंने इसी गन से चलाई थी डीजी अंकल। हैप्पी जर्नी टू हेल डीजी अंकल। टीजी के कुत्तो, ईमानदारी से अपने वेपन्स नीचे रख दो या इनके साथ ऊपर जाओ। I am the new king. प्रीत, वेका प्रीत। भाग कबीर भाग। तेरे पास सिर्फ 14 मिनट है और मेरे आदमी बहुत ज्यादा। देखता हूँ कैसे बचाएगा इसे। Game on कबीर से आज। गोली आग में क्यों डाली? क्योंकि स्कूल में फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तू अगले 13 मिनट ले सकती। गेम ऑन। कितना खेल है? आखिरी बार भी जीतते नहीं देगा? ये आखिरी बार नहीं है। अच्छा हम पिक्चर देखे क्या? हाँ स्वर्ग में थिएटर है क्या? ओए तुझे स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो तुझे बोल दूंगी। कबीर मुझे स्वर्ग में भेज के दिखा। गेम ऑन। उसके लिए मुझे भी मरकर ऊपर आना पड़ेगा। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। मैं तुझे बचा रहा हूँ और तू मुझे ही डेथ रिक्वेस्ट भेज रही है। विषय कि तुम मुझे किस करो और यहाँ छोड़कर चले जाओ। भागने की बात तो मैंने अपने बाप की भी नहीं सुनी। कभी इफ यू लव मी तो ऐसा ही करोगे प्लीज। दैट मींस यू डोंट लव मी। कभी उतना प्यार नहीं करता कि तेरी हर बात मानो। Thank you.
होश नहीं आता। तुम ये हॉर्न बजाना बंद नहीं करोगी? गेम ऑन। के बाद तेरे हाथ का राजमा चावल खाना है। बहुत कुछ करना था, सब बाकी रह गया। साला, पूरी जिंदगी या तो हम खुद से लड़ते रहे या दुनिया से। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारा सौतेला बाप है प्रीत। तो हम डेफिनेटली बहुत कुछ करेंगे, शादी करेंगे, हनीमून पर जाएंगे। कमीने, कभी डेट पे नहीं ले गया और सीधे शादी की प्लानिंग। कमीनी, हम 6 साल की उम्र से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्या है? I love you, कबीर से यार। Love you too. सोड सोड अखानो मीठी मीठी गल्लानो मेरे नाल आजा कुड़िए जिंदगी बितालो। सोड सोड अखानो मीठी मीठी गल्लानो मेरे नाल आजा कुड़िए जिंदगी बितालो। उड़ दीवाने दिल दी मेरे बढ़ रही रफ्तार, उड़ दीवाने दिल दी मेरे बढ़ रही रफ्तार। ना कर ओ जुगड़ी ये सोड बल बेकार, कर ले प्यार कर ले प्यार कर ले प्यार कर ले प्यार। Girl, love, 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 girl